गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? गुड, मैं भी अच्छी हूँ। ओके बेटा, सो आई वेलकम यू ऑल इन माई इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड यस्टरडे वी वर डूइंग बेटा एक्सरसाइज नंबर 3, राइट? And that was incomplete. So today we will complete this exercise. Okay. So open your notebook, beta. Okay. Map बनाया है कार्तिक ने. Good try, beta. Good try. Very good, Kanika. Very good, beta. सीधा करो इसको. उल्टा पकड़ा है आपने. वेरी गुड, बहुत सुंदर. किसने बनाया ये? और बस दो बच्चों ने बनाया है. चलिए, अच्छी बात है जिसने भी बनाया है. अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3. ओके, सो कीप योर पेंसिल इन योर हैंड, ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग बेटा. 3 आप उसके आगे से ही लिखना स्टार्ट करिए. आपने कल जो इंडेक्स बनाया था ना, बनाई थी एक टेबल, उसके आगे से ही लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? सेंटेंसेस then collective noun and then other noun. okay, beta, we have made this table yesterday and today we will proceed from second sentence. okay, write B. the peel of the peel of bells could be heard a mile away. okay, so this is the sentence. Now from this sentence we have to find collective noun and other noun. okay, so let's see here. Peel is beta collective noun. okay, and bells are other noun. okay, जो घंटियों का समूह होता है बेटा उसको हम कहते हैं पील, ठीक है? और यहाँ बेल्स होगा नाउन बिकॉज इट इज अ थिंग, ठीक है? एंड द ग्रुप ऑफ बेल्स इज कॉल्ड पील. ओके बेटा, नाउ सी सेंटेंस. वी कुड सी the flight of
birds, in the sky. Here you tell me, beta. Collective noun क्या है बेटा यहाँ पर? क्या है बेटा यहाँ पर? So flight here is collective noun. ठीक है? Of birds. ठीक है? Group of birds को हम कहते हैं flight. ठीक है? और यहाँ पर sky क्या आएगा बेटा? Sky and birds will be other noun. Okay? In this sentence, flight is collective noun. And birds and sky. Sky भी अपना noun है. ठीक है बेटा. Now sentence D. डी लिखिए. अ बंच ऑफ कीज देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ बेटा. आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर जो स्काई है वो नाउन है. तो आपको खुद से अपने आप से क्वेश्चन करना है व्हाट. ठीक है? वेयर. ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है कि क्या उड़ रहे हैं. तो क्या उड़ रहे हैं बेटा? पक्षी. ठीक है? और कहाँ पर? स्काई में. जब आप खुद से ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है? नाउन है. नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है? नाउ डी अ बंच ऑफ कीज is lying on the table. ठीक है? So keys का जो collection होता है, जो समूह होता है, वो क्या कहलाता है? Bunch. So here bunch will be कलेक्टिव नाउन. ठीक है? एंड कीज विल बी अदर नाउन. अदर नाउन के नीचे लिखेंगे इसे और टेबल. ठीक है? तो मैंने क्या कहा था? खुद से क्वेश्चन करना है. व्हाट? क्या रखा हुआ है? कीज रखी हुई है. कहाँ? कहाँ रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है. ठीक है? सो दीज आर नाउन्स. क्लियर? अ कोर ऑफ सिंगर्स. एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप. हु? ठीक है? अ कोर ऑफ सिंगर्स इज वेटिंग
is waiting at Saint Mary's Church. ठीक है, सो दिस इज अ सेंटेंस. नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस. हु, कौन, कौन, सिंगर्स. ठीक है, सिंगर्स यहाँ पे नाउन होगा. व्हाट, क्या, क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वेयर, वेयर का आंसर आपको मिलेगा सेंट मैरिज चर्च. वेट कर रहे हैं सिंगर्स, वेट कर रहे हैं. कहाँ पर वेट कर रहे हैं बेटा? सेंट मैरिज चर्च में वेट कर रहे हैं. सो दिस इज नाउन, दिस इज ऑल्सो नाउन, एंड दिस इज कलेक्टिव नाउन. ठीक है, क्योंकि सिंगर्स के ग्रुप को, सिंगर्स के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन में क्या बोलेंगे? कौन. ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन में आप लिखेंगे कौर, एंड सिंगर्स लिखेंगे आप अदर नाउन में. और वेयर, वेयर का आंसर क्या था? सेंट मैरिज चर्च. सेंट मैरिज सेंट मैरिज चर्च. ओके बेटा, इस तरीके से. ठीक है, वेन एवर यू फाइंड नाउन इन एनी सेंटेंस, देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू यू, हु, व्हाट, वेयर. ये क्वेश्चन करिए आप अपने आप से उस सेंटेंस में, जहां आपको आंसर मिलता है इनका, वो ही नाउन है. ठीक है, हैव यू डन बेटा? डू फास्ट. हो गया, ओके. नाउ आई एम यूजिंग द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, आई होप यू हैव रिटन. सी हो गया बेटा? सी हो गया? ओके, सी भी हो गया. ठीक है, चलिए बाकी चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज एफ. अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स was presented to Mrs. Brown. ओके बेटा, सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई नाउन हियर.
बुके, फर्स्ट ऑफ ऑल बुके इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फ्लावर्स के ग्रुप को, झुंड को हम कहते हैं बुके, ठीक है। सो बुके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब वो अ बुके ऑफ फ्लावर्स वॉज प्रेजेंटेड टू मिसिज ब्राउन। मिसिज ब्राउन को फ्लावर्स प्रेजेंट किए गए थे। क्या प्रेजेंट किए गए थे? फ्लावर्स। किसे प्रेजेंट, टू होम, किसे प्रेजेंट किए गए थे? मिसिज ब्राउन को। ठीक है, पहचान लिया ना आपने इस तरीके से इसमें नाउन? बिल्कुल यही करना होता है आपको, ठीक है बेटा। चलिए लिखिए अब इसमें अदर नाउन, लिखिए फ्लावर्स एंड मिसेस ब्राउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफ के बाद जी, रोहन, रोहन ड्रॉ His flock of sheep to the field. ठीक है, हाँ जी। तो अब इसमें आप बताइए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लॉक, ठीक है। सो फ्लॉक हियर विल बी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शीप आर कॉल्ड फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ शीप is called a flock, okay? So here flock is collective noun, ठीक है। हाँ जी, अब noun पे आ जाते हैं। कहाँ कहाँ, where का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? Field से। What, what का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? Sheep से, ठीक है। और कौन, कौन का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? Rohan, ठीक है। तो हमने ये तीन क्वेश्चन किए सेंटेंस में और हमें आंसर मिल गया, है ना बेटा। सो रोहन शीप एंड फील्ड, ठीक है। दीज आर अदर नाउन, क्लियर। नाउ लास्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज प्लीज। पिक अप द पैक ऑफ कार्ड्स। प्लीज पिक अप द पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर पैक क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर? कलेक्टिव नाउन, बिकॉज वी कॉल कलेक्शन ऑफ कार्ड्स पैक, ठीक है बेटा। सो पैक विल बी कलेक्टिव नाउन हियर। एंड क्या चीज, क्या के लिए, क्या आपका आंसर आया? कार्ड्स, ठीक है। बस इसमें और कुछ भी नाउन नहीं है, ठीक है। एक ही आंसर मिला है हमको यहाँ पर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कार्ड्स। इन दिस वे यू कैन फाइंड इन एनी सेंटेंस नाउन, ओके बेटा।
So write it down fast. We have completed this exercise here. समझ में आया कैसे नाउन को पहचानेंगे आप? किसे समझ में आया बेटा? मैंने जो ये तीन क्वेश्चन बताए आपको, किसी भी सेंटेंस में वो क्वेश्चन करिए, जहां से आपको आंसर मिलता है वही नाउन है। Do fast. Who have done? They will open their English book. फटाफट से इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए बेटा, बिकॉज हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू न्यू चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक। टेक योर इंग्लिश बुक इन योर हैंड क्विकली। Chapter number 4, page number 15. Yes, John sleeps alone. Have you opened? Shall we start now, beta? Chetan, have you done? Okay, ye? ठीक है। अब बुक में ध्यान दीजिए बेटा। John sleeps alone. ठीक है? John अकेला सोता है। तो introduction part देखते हैं इसका। The poet tells about him how he spends his whole day in his childhood. ठीक है? इसमें जो ये पोएट नहीं आएगा, यहाँ पर राइटर आएगा, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी नॉट अ पोएम। ठीक है? तो राइटर ये बताना चाह रहा है आपको कि कैसे वो अपना पूरा दिन बिताता था अपने बचपन में, इन हिज चाइल्डहुड विद हिज फ्रेंड्स, एंड देन ही फॉल्स ऑन द बेड एट नाइट। अपने बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे वो सारा दिन बिताता था और रात में जा कर के बेड पर सो जाता था। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। John never wanted to sleep alone. John कभी भी अकेले सोना नहीं चाहता था। One day, एक दिन, his mother said to him, उसकी मदर ने उसे कहा, You are now old enough, अब तुम बड़े हो गए हो। You must sleep alone in your room. तुम्हें अपने रूम में कैसे सोना चाहिए? अकेले। ठीक है, alone means अकेला। John was very scared. John बहुत ही डर गया था। ठीक है? He said to his grandpa, वो अपने दादाजी को कहता है, क्या कहा उसने?
प्लीज आस्क मदर नॉट टू मेक मी स्लीप अलोन, मुझे अकेले नहीं सुलाए, मदर को बोलो आप, ठीक है. बट हिज मदर वुड नॉट लिसन टू एनीवन, लेकिन उसकी मदर ने किसी की नहीं सुनी. दैट नाइट जॉन हैज टू स्लीप अलोन इन हिज रूम, उस रात जॉन को अकेले उस रूम में सोना पड़ा, ठीक है. जॉन वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अब जॉन को अंधेरे से क्या लगता था, क्या लगता था अंधेरे से, डर लगता था. आपको लगता है, आप लोगों को लगता है अंधेरे से डर? हाँ, चेतन को तो नहीं लगता, कार्तिक को लगता है, और किसको लगता है अंधेरे से डर लगता है? चलिए, अच्छी बात है, नहीं लगता तो ठीक है. उसको अंधेरे से डर लगता था. ही थॉट दैट देयर वर घोस्ट, उसको उसने सोचा कि वहाँ पर क्या होंगे, भूत. घोस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, भूत, ठीक है. एंड डेमन्स ऑल अराउंड हिम, उसके आसपास में वहाँ पर खूब सारे भूत होंगे और राक्षस होंगे, ठीक है. ही जम्प्ड एट एवरी लिटिल नॉइज, वो हर एक छोटी सी आवाज पर उछल जाता था, उसको डर लगता था ना. जॉन्स हैंड्स एंड लेग्स शुक विद फियर, और जॉन के हाथ पांव जो है डर के मारे कांप रहे थे, कांपने लगे उसके हाथ पांव. जॉन वॉज स्कैर्ड, जॉन डर गया था. सो ही हिड हिमसेल्फ अंडर हिज फेवरेट ब्लैंकेट, वो डर के मारे फिर उसने क्या किया, अपने आप को अपने उसकी जो फेवरेट ब्लैंकेट थी ना, ब्लैंकेट क्या होती है, कंबल, उसने अपने आप को अपने फेवरेट ब्लैंकेट में के नीचे छुपा लिया अपने आप को, ठीक है. ही ऑल्सो हिड हिज हैड अंडर द पिलो, और उसने अपना सर को भी पिलो के नीचे डाल लिया, डर के मारे ऐसा किया उसने. That night, उस रात को a thief came to their house, एक चोर आया उनके घर पर, ठीक है. उस रात एक चोर उनके घर आया. The thief could not see John in the dark, अब thief ने अंधेरे में उस John को देखा नहीं देखा उसने. He sat on John's leg by mistake, और वो गलती से John के leg के ऊपर बैठ गया, पाँव पे बैठ गया उसके. जॉन थॉट इट वॉज ए घोस्ट, और जॉन ने क्या सोचा, ये कौन है घोस्ट, क्या होता है, भूत. जॉन को लगा कि ये भूत है. सो ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड येलिंग, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा. एवरी वन वॉक अप, सब उठ गए, अब वहाँ पर जो भी थे सब उठ गए. दे कॉट द थीफ, और उन्होंने चोरों को क्या किया, पकड़ लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, पीपल फ्रॉम द विलेज हर्ड अबाउट द थीफ, लोगों ने सुना उस चोर के बारे में. वॉट अ ब्रेव बॉय दे सैड, और उन्होंने क्या कहा, कितना बहादुर लड़का है. जॉन इन्जॉयड द नाइस वर्ड्स, और जॉन को ये अच्छे अच्छे वर्ड्स सुन करके बहुत अच्छा लगा, उसने इन्जॉय किया. बट ही ऑल्सो सैड टू हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद से एक बात कही, देर आर नो घोस्ट और डेमन्स, घोस्ट और डेमन जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है. देर आर ओनली फियर्स, ये सिर्फ डर है, ठीक है. तो ये सिर्फ डर होता है, ना तो कोई घोस्ट होता है और ना ही कोई डेमन्स होते हैं, ठीक है बेटा. सो दिस इज द स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड, एंड टुमोरो वी विल राइट इट्स वर्ड मीनिंग्स, ओके बेटा. सो योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट दिस टेबल अगेन, ओके, एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर थ्रोली, ओके. First of all, do CW, then read chapter aloud. ठीक है बेटा, ये chapter आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे ना, because this chapter is very interesting.
पढ़ना है इसको, और साथ ही में ही ये आपको कंप्लीट टेबल अगेन राइट करनी है एंड यू विल आस्क टू यू दैट व्हाट वेयर हू, ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड नाउन इन सेंटेंस. ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे बेटा.